वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा प्रदीप कौर। जिले में रविवार को पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज पाया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद सीएमओ डॉक्टर जीएस वाजपेयी ने उसकी पुष्टि की। पॉजिटिव मरीज इंडोनेशिया से आया 33 वर्षीय युवक है। उसे कोटवा पीएचसी में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। स्टेशन रोड स्थित अब्दुल्ला मस्जिद से मंगलवार को मिले 37 लोगों में से 11 लोगों का नमूना लेकर कोरोना जांच के लिए भेजा गया था। इसमें से 8 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। 3 लोगों की रिपोर्ट का कई दिनों से इंतजार था। रविवार रात एक रिपोर्ट और आई इसमें विदेशी युवक को कोरोना पॉजिटिव बताया गया। संक्रमित विदेशी व्यक्ति इंडोनेशिया से जमात में आया था। रिपोर्ट आने के बाद सीएमओ ने विदेशी संक्रमित युवक को क्वारंटीन स्थल महबूबा पैलेस से हटाकर कोटवा पीएचसी में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि किन दिनों 2 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है, उन्हें भी एहतियातन वहां से हटा दिया गया है। इसके अलावा बाकी के बचे 26 लोगों की जांच भी कराई जाएगी। सोमवार को उनका नमूना लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रयागराज में अभी तक हमारे पास हमने 23 सैंपल भेजे हैं, जिसमें कि एक जो इंडोनेशिया का निवासी था उसका एक पॉजिटिव कल आया है। और पॉजिटिव मरीज के लिए, जैसा कि आपको पहले से हमने सूचित किया है कि हमने कोटवा बनी में एक 30 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एक 30 बिस्तर का हमने कोविड अस्पताल बना रखा है, जहां उसको कल रात में भर्ती कर दिया गया है और वो ठीक है। बाकी 2-3 जो हमने सैंपल भेजा था उसमें से 2 की रिपोर्ट उनका रीसैंपलिंग के लिए है, तो हम कल बाकी लोगों की भी सैंपलिंग करवाएंगे। एक अच्छी बात है प्रयागराज के लिए कि संभवतः कल हमारा यहाँ का एसआरएन मेडिकल कॉलेज का लैब भी चालू हो जाएगी, तो हमारा प्रयास होगा कि हम अपने सैंपल्स कल से यहाँ भेजना शुरू कर देंगे। कि इंडोनेशिया वाले 7 लोग थे, सबकी सैंपलिंग पहले कराई गई थी, उसमें से ही एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है और 2 का रिपोर्ट दोबारा कहा सैंपल करने के लिए, तो उनकी भी सैंपलिंग हम कल करवाएंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब